जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और टाइम एंड वर्क के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले आज हम देखेंगे, क्वेश्चन के जरिए से हल करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि 10 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो 12 आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका सबसे ईजी और बहुत जल्दी आंसर वाला फार्मूला एक है, m1d1 = m2d2। ठीक है दोस्तों, इस फार्मूले से बहुत जल्दी आंसर निकालेंगे। जो m1 है वो हमारा ये 10 है, यानी कि 10 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में, यानी 10 आदमी करते हैं 18 दिन में, तो 12 आदमी करेंगे कितने दिन में। तो ये हमारा जो है m1, d1, m2 और ये d2, इस तरह से हम इसका आंसर निकालेंगे। तो m1 10 है तो 10 रखेंगे, d1 18 है तो इसके इंटू में 18 रखेंगे, बराबर m2 12 दिया है 12 रखेंगे, और d2 हमें निकालना है तो d2। ठीक है, अब d2 इधर, d2 बराबर 18 का 10 में गुणा करेंगे तो 180, और ये नीचे 12, तो 12 से 18 में भाग देंगे, तो 12 क्या 12, फिर 12 पंचे 60, यानी कि 15, 15 का 12 में गुणा करेंगे तो 180। जो हमारा d2 का मान आया वो 15 दिन यानी डेज आया है, तो 15 दिन में ये d2 बराबर 15। इस तरह से, इस फार्मूले से हम इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी और ईजी से हल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, उसे भी हल करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, किसी कार्य को 12 दिन में 20 आदमी पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 8 दिन में कितने आदमी पूरा करेंगे। तो किसी कार्य को 12 दिन में कितने आदमी पूरा करते हैं, 20 आदमी, तो उसी कार्य को 8 दिन में कितने आदमी पूरा करेंगे, क्वेश्चन मार्क। तो आप जानते हैं ये 20 आदमी है, तो ये m1 है, ये d1 है, और ये d2 है, और ये m2, हमें m2 ज्ञात करना है, उस बारी हमने अगले क्वेश्चन में d2 निकाला था, तो भी हमें m2 निकालना है, तो वही फार्मूला m1d1 = m2 and d2। तो m1 का मान 20 इंटू d1 का मान 12 बराबर m2 का मान क्या है, हमें ज्ञात करना है, और d2 8 है तो यहाँ 8। अब क्या होगा, m2 बराबर 12 धान में 120 और 240 बटे 8, तो 8 से इसमें भाग देंगे तो 3 बार 30, यानी m2 का मान जो हमारा आ गया वो 30 आ गया। इस तरह से m2 भी हम निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूले अक्सर यूज होते इस समय तथा कार्य में, तो इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।